वेलकम टू स्टेप अप आईएएस नेक्स्ट वीक एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे राइटिंग का कोटेशन देखते हैं जो कि है बी ट्रूथफुल जेंटल एंड फियरलेस। महात्मा गांधी जी का ये कोटेशन आप यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, खास करके एथिक्स का अगर आप आंसर लिख रहे हैं या ऐसे राइटिंग में ऐसे कोई डायलमा वाली सिचुएशन है तो वहां पर आप इस कोटेशन का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में, नया बैच शुरू हो रहा है 27 अगस्त से। डिटेल आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो लोग क्लासरूम प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनके लिए भी फैसिलिटी है पर्सनल गाइडेंस की, और ये अलग से भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपके एक मेंटर होते हैं जो आपको पर्सनली ट्रीट करते हैं। किस तरीके से आंसर राइटिंग हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी वो व्यक्तिगत रूप से आपको देते हैं, और एक ग्रुप भी बनता है जिसमें आपको मोटिवेटेड रखा जाता है ओवरऑल कॉम्पिटिशन के लिए। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देखेंगे, अपने अगले आर्टिकल पर बेस्ड है। इकोनॉमी पर आर्टिकल आया हुआ है, स्लो डाउन, हर तरफ इसकी ही बात हो रही है, तो आज भी आर्टिकल उस पर ही है और ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। कहा जा रहा है कि जो कुछ डाटाज हैं, वेरियस डाटा हैं, ये शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन है और वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई ही हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जो प्रेजेंट मेजर्स हैं गवर्नमेंट को किस तरीके के मेजर्स लेने चाहिए इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, डिस्कस करना है 150 वर्ड में। तो आइए डिस्कशन में आर्टिकल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लो एंड स्लोअर, जीएस पेपर 3 में टॉपिक होगा इंडियन इकोनॉमी से बेस्ड। इस पर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट को यहाँ पर पूरा सुझाव दिया जा रहा है कि अभी जो शॉर्ट टर्म मेथड्स अपनाए जा रहे हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वो नहीं अपनाए जाने चाहिए, बल्कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बात हो रही है कुछ जो डाटा रिलीज हुआ है अभी, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का जो एक डाटा अभी रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सेल्स में ड्रॉप हुआ है 18.7% का, ये जुलाई का डाटा है। यानी कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वहाँ पर लोग गाड़ियाँ कम खरीद रहे हैं, बिक्री कम हो रही है, तो ये जो डाटा है ये भी दिखा रहा है कि कंजम्पशन या मार्केट में डिमांड कम हो रही है चीज़ों की। दूसरा डाटा क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि जो नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो है सेल्स मार्केट का, कॉरपोरेट में भी देखा जा रहा है डिमांड काफ़ी डिप्रेस हो गई, कम हो गई है। तो ये जो दो तीन ऐसे डाटा मेथड्स देखने को मिल रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, डिमांड कम है, कंजम्पशन कम हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी लिमिटेड करना है, तो कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। जब भी हम ऐसे आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में 3 से 4 एंटिटी को रख सकते हैं, एक तो जो कंज्यूमर होता है, दूसरा बैंक, तीसरा कॉरपोरेट और चौथा गवर्नमेंट। ये 4 एंटिटी है जो इस पूरे इकोनॉमी में आप ध्यान से देखें तो ट्रैवल कर रही है, एक दूसरे को बैलेंस करना, रेगुलेट करना, इन चारों एंटिटी का काम होता है। तो अगर किसी भी एक पर फर्क पड़ेगा तो पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ होगा। यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए, पहले तो हमने क्या देखा कि डिमांड कम है मार्केट में, अब इसके कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों कैसे डिमांड कम हुआ। कहा जा रहा है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो लोग हैं कंज्यूमर्स हैं, वो लोग बोरोविंग कर रहे हैं बिकॉज उनको शॉर्ट टर्म कंजम्पशन करना है। तो एक तरफ आप बोरो करते जा रहे हो और उसको आप जो दिनचर्या वाली चीज़ें हैं उस पर आप लगा रहे हैं, यानी वहाँ पर आप कंजम्पशन पर खर्च कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएगा। इसका एक डाटा भी शो किया गया है कि 3.85 लाख करोड़ था 2015-16 में, और ये लाइबिलिटी अब बढ़ करके 7.4 लाख करोड़ 17-18 में हो गई थी, ये डाटा है। और इसका एक जीता जाता एग्जांपल हमें कहाँ पर मिला, IL&FS के कोलैप्स से, यानी NBFC सेक्टर जो है वो इतने क्राइसिस में नहीं था आज से 2 साल पहले, लेकिन अचानक से जो इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ, और उससे अचानक से इस सेक्टर में आप देख सकते हैं कि कितनी क्राइसिस आ गई है। और ये पता कब चला, जब IL&FS जैसी बड़ी NBFC का कोलैप्स होता है। ये सिचुएशन सिर्फ उसी कंपनी की नहीं है बल्कि ऐसी कई सारी और एंटिटी है जिसकी ये हालत है जो अभी हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में कह रहे हैं राइटर कि कुछ क्वेश्चन रेज होता है,
क्वेश्चन ये रोज रेज हो रहा है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, अगर वो इस तरीके से अपने खर्च को या अपने जो डेली कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए डेट को बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या ये एक सस्टेनेबल तरीका होगा? क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है? क्या जो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग है, इंटरवेंशंस हैं, वो इस हाउस होल्ड कंजम्पशंस को आगे बढ़ाने के लिए हैं या नहीं है? क्योंकि अगर हाउस होल्ड्स के इनकम नहीं बढ़ेंगे तो फिर उन वो कंज्यूम नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, और फिर वो बोरो करेंगे कंजम्पशन के लिए, जो कि एक सही अप्रोच कहीं से भी नहीं लगता है। तो ये एक सवाल ये उठाते हैं। अगली बात कर रहे हैं फिस्कल स्टिमुलस पर। हमने एक दिन डिस्कस किया था फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है। जब सरकार किसी स्कीम में, वेलफेयर फंड में, यानी आप लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, महिलाओं के लिए पैसे खर्च करती है तो वो फिस्कल स्टिमुलस कहलाता है। मतलब स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है इकोनॉमी को पैसा दे करके, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, फिर वो खर्च करे, तो इससे आगे जो पूरा साइकिल है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वो बढ़ता चला जाएगा। डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ये सिस्टम आएगा। तो दूसरा होता है मॉनेटरी स्टिमुलस, जो कि आरबीआई मैनेज करती है। यहाँ पर बात हो रही है कि फिस्कल स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो बजट में जैसे फिगर को पेश किया गया है, गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस कई सारे हैं। चैलेंजेस ये हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करती है इन स्कीम्स पर, वल्नरेबल सेक्शंस पर, या खर्च ज़्यादा कर रही, तो क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। और बजट में ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट को कितने पर मेंटेन करना है, उसे आगे गवर्नमेंट जा नहीं सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट की कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, नॉमिनल जीडीपी से कम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ा दे, तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को मार्केट में बेच दे हायर इंटरेस्ट रेट पर, तो उससे क्या होगा कि जो बैंक है वो ऑब्वियसली बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देगी, तो इससे जो ये इंटरेस्ट रेट कट हुआ, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 35 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को कम किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर एक तरफ बैंक अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो लोग वहाँ पर या बैंक खुद वहाँ जा करके इन्वेस्ट करेंगे और बॉन्ड खरीद लेंगे, तो इससे जो पूरा सर्कल है वो क्रिएट नहीं होगा और इशू वहीं का वहीं रहेगा। मतलब जो प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक के ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। अगर हम इन पॉलिसी मेकिंग्स की बात करें, मतलब हम मॉनेटरी स्टिमुलस लेकर आएँ, फिजिकल स्टिमुलस लेकर के आएँ, तो ये एक शॉर्ट टर्म एजेंडा की तरह देखा जा सकता है। नाउ अगला कंक्लूजन में कह रहे हैं कि ऐसे में फिर क्या करना चाहिए। इन्होंने अभी प्रॉब्लम्स बताई, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बताया। इनका कहना है कि अब गवर्नमेंट को सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स लेने चाहिए ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे कि अभी अगर पता चल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जा रहा है तो उसको उठाने के बारे में काम किया जाना चाहिए। एनबीएफसीज क्राइसिस में है तो उसको वो कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं। ऐसा ही हमने आर्टिकल पहले भी देखा था जहां पर सेम सेक्टर स्पेसिफिक काम करने की बात की गई है। तो ऐसे फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे और इसी बेसिस पर आप आंसर राइटिंग करेंगे। आगे बढ़ नेक्स्ट आर्टिकल है फोर्स ऑफ रिफॉर्म। जीएस पेपर 2 में पॉलिटिक्स एसोसिएट करें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर ही हम बात करेंगे, जिसको कि अनाउंस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने स्पीच में। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या खास बातें कही गई हैं। सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कल के डिस्कशन में, कहा जा रहा है कि बिग मिलिट्री रिफॉर्म की तरह होगा ये सीडीएस का गठन। नाउ नरेंद्र मोदी जी के सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे, तो इसका इतिहास क्या है, कहां पर इसको प्रपोज किया गया था, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। केआरसी जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 2000 में, तो उन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है पूरे डिफेंस सेक्टर में, अगर हम आगे किसी भी मॉडर्न लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और नुकसान कम हो इसके लिए एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए, या फिर डिफेंस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का होना अति आवश्यक है, ऐसा केआरसी ने कहा था, जो केआरसी का फुल फॉर्म है कारगिल रिव्यू कमेटी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, द दिन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी कई चीज़ें बनाने की कोशिश की, लेकिन जो आर्मी नेवी या अदर लोग थे उनके द्वारा इस पर सहमति नहीं दिखाई गई थी। इसमें इश्यूज़ कई तरीके के थे, तो जितने भी प्रपोजल्स अभी तक आए थे वो पॉलिटिकल विल या फिर ब्यूरोक्रेसी, इन सभी की वजह से अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए थे। एंड पॉलिटिशियंस जो हैं उनका कहना था कि अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया एक जगह पर पावर को तो आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है,
सिविलियन और मिलिट्री इक्वेशन जो है वो गड़बड़ हो सकता है और सुप्रीमेसी का लॉस हो सकता है गवर्नेंस की अगर बात करें, गवर्नमेंट की बात करें। वहीं दूसरी तरफ जो एयरफोर्स या नेवी है उन्होंने इसको अपोज किया था क्योंकि उनको ये लगता था कि जो CDS बनेगा उसको इंडियन आर्मी डोमिनेट कर देगी। तो इसलिए ये अभी तक के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाया। हालांकि 2011 में जब नरेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा भी सजेशन दिया गया था कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सिस्टम की तरह, जिनके पास की पावर हो और वो डिफेंस या सिक्योरिटी के मामले में सही तरीके से विचार कर पाए। आगे आर्टिकल में कहा गया है कि CDS का जो अपॉइंटमेंट है वो तभी फुलफिल हो जाएगा या फिर मीनिंगफुल हो जाएगा जब इसका अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो, लेकिन इसके लिए जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उन सभी को हटाने की ज़रूरत है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। वहीं NSA की बात करें, डिफेंस प्लानिंग कमेटी की, जिसके हेड NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अभी वही CDS की तरह काम करते हैं। और अभी गवर्नमेंट को, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट जिन्होंने इसको पूरा अनाउंस किया है, उनके लिए चैलेंज बाकी है कि वो कैसे पूरे पावर्स का बंटवारा करते हैं, कैसे इस ऑफिस को बनाया जाएगा, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी पर है और ये अभी देखना बाकी है कि कैसे चुनाव होता है। यहाँ पर सुझाव भी दिया गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कि जो भी CDS बने उनको रिपोर्ट करना होगा प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, और साथ ही किसी सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स को CDS बनाया जाना चाहिए, ना कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स के बेसिस पर इनका चुनाव होना चाहिए। एग्जाम्पल्स कई जगह का दे रहे हैं, US के बारे में बता रहे हैं, वहां पर 1986 में ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसी जगह से सीख करके और आगे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। तो मिलिट्री के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है क्योंकि चेंज की ज़रूरत है। हालांकि इस एम्पावरमेंट से, इस चेंज से दिक्कत आ सकती है, रेजिस्टेंस फील हो सकता है, लेकिन आज इंडियन आर्म फोर्स भी इस बात को जानती है कि अगर मॉडर्न लेवल पर इस लड़ाई को जीतना है, इस चैलेंज को जीतना है, तो एक बेस्ट वे होना चाहिए, यानी एक बेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के लिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इसी पर हमारा अगला आर्टिकल है, वाटर क्राइसिस पर है। डू यू थिंक द जल जीवन मिशन विल बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग आर पीपल्स ईज ऑफ लिविंग एंड मीटिंग देयर एस्पिरेशंस ऑफ न्यू इंडिया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की बात करते हैं, जन आंदोलन फॉर वाटर। GS पेपर 2 में पॉलिटी से भी आप जोड़ सकते हैं, GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, वहाँ से भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं, और सोशल इश्यूज में भी ये टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा। बस इंटेंशन या आपको बात को बदलने की ज़रूरत होती है। हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, जिसके बारे में कहा गया है प्रधानमंत्री जी के स्पीच में ही। इस पूरे मिशन में पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी और वाटर मैनेजमेंट को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। क्या है ये मिशन? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2024 तक हर हाउस होल्ड्स के पास वाटर सप्लाई होगा, ये प्लान है। जैसा कि 2019 2 अक्टूबर तक का प्लान था मोदी जी का ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना इंडिया को, और उन्होंने बहुत हद तक अपने इस प्रयास में वो सफल रहे। तो महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर उनका ये प्लान था, वैसे ही मोदी जी ने फिर से 2024 तक का प्लान और टारगेट सेट किया है कि वो कैसे हर हाउस होल्ड्स के पास पानी पहुंचा पाएंगे। हालांकि एक बहुत बड़ा गोल है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने एक अनदर गोल को सेट किया है, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, जिसको कि अचीव कैसे किया जाएगा ये तो समय ही बताएगा। आगे बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है पॉलिसी फ्लॉ है अभी तक। अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाने में जो एफर्ट होता है उसमें फ्लॉ है, उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है और कोऑपरेशंस की कमी है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो बेसिक क्वांटिटी अगर आपको प्रोवाइड करना है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो जो रूरल इंडिया है खास करके, वहाँ पर बेसिक सोर्स अवेलेबल होते हैं, हैंड पंप्स, डग वेल्स एंड पब्लिक स्टैंड पोस्ट, ये सारी चीज़ें होते हैं। नाउ इनका कहना है कि बहुत कम ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ पर हाउस होल्ड वाटर सप्लाई की सुविधा मौजूद है, जैसे कि सिक्किम और गुजरात। सिक्किम और गुजरात ने अपने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए HWS को अचीव किया, हाउस होल्ड वाटर सप्लाई को अभी तक अचीव किया है, ताकि जो रूरल इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वहाँ तक पानी को पहुँचाया जा सके।
लेकिन हाउसहोल्ड वाटर सप्लाई में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं? सबसे पहला कि इस पे अटेंशन नहीं जाएगा, या जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जा सकता है, सस्टेनेबल यूज़ किया जा सकता है, और प्राइमरी सोर्स क्या है उसको ध्यान में रखा जाए, प्रॉपर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को लेकर के आया जाए। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो वाटर सप्लाई को पहुँचाने में बीच में आ रहे हैं। वहीं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही एक साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, ये दोनों फ्रैगमेंटेड वे में काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि कैसे इनके यहाँ पर जो काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई हैं, किसी एक सिंगल बॉडी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो इस पूरे वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को ओवरसाइट करे, देखे और जो नेसेसरी सॉल्यूशन है उसको लेकर के आए, या इस कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो जब हम पावर्स को या अकाउंटेबिलिटी को बांट देते हैं, चार लोगों को दे देते हैं, तो कोई भी अकाउंटेबल नहीं होता। वैसे ही अगर हमने एक सिस्टम नहीं क्रिएट किया, एक सिस्टम को नहीं जिम्मेदारी दी, तो फिर ये जिम्मेदारी किसी भी सिस्टम की नहीं रह जाती है। राइटर कह रहे हैं कि जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया गया है वो एक कमेंडेबल स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने कि इंटीग्रेट कर दिया पूरे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को इस जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जहां पे कि ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई, रिसोर्सेस, सस्टेनेबल यूज की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, दैट्स द चैलेंजिंग इशू, जो कि हमेशा से रहता है। एक प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, खास करके ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबल यूज़ कैसे करना है, कैसे बचाना है, कैसे रिचार्ज करना है, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके या फिर लिस्ट आउट करके इसको कैसे ठीक करना है, इन सभी जिम्मेदारी को इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग है आज भी। नाउ कह रहे हैं कि जो लोकल मेजर्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए रादर देन यूजिंग अदर मेथड्स, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएँ, पॉइंट रिचार्ज स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएं, रादर देन जो पंपिंग की जाती है या पाइप्स पहुंचाए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उसके जगह पर सस्टेनेबल और सिंपल मेजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए वाटर की अवेलेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो जल जीवन मिशन ने जो प्रपोजल्स पेश किए हैं वो काफ़ी सस्टेनेबल हैं, इनके मेजर्स बहुत ही सस्टेनेबल्स हैं, ताकि वाटर की अवेलेबिलिटीज़ भी हो और वो सस्टेनेबल भी रहे। तो क्या क्या प्रपोजल्स होंगे आगे चल करके, देखिए कई एग्जांपल्स यहाँ पर सेट किए हुए हैं। प्रोग्राम जैसे कि स्वजल प्रोजेक्ट चलाया गया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वहीं WASMO वैज्मो प्रोग्राम चलाया गया था गुजरात में। वहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या थी, जो लोग हैं उनके बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की गई थी, चीज़ों को डेमोंस्ट्रेट किया गया था, बताया गया था कैसे यूज़ करना है सस्टेनेबल तरीके से पानी का, उनको ट्रेनिंग दिया गया था और इफ़िशियंटली लोगों को सारी जानकारी दी गई थी। इसी मॉडल को अपनाया जाएगा कि एक एक गांव में वाटर बेस्ड स्कीम्स चलाए जाएंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा, ताकि जहां पर भी सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर कैसे पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। यहीं पर इस मिनिस्ट्री ने, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई है या इस मिशन के अंतर्गत जल जीवन मिशन में, एक बहुत अच्छी बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब आपको समझना है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सारे पावर को लाके एक जगह पर इकट्ठा कर देना, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जब आप अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को आप बांट दें ताकि सभी लोग अपने अपने जगह पर अच्छा काम करें। यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कैसे, तो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ बनाए जाएंगे, कम्युनिटीज़ को स्कीम्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, सैनिटेशन कमिटीज़ तैयार किए जाएंगे विलेज लेवल पर, वहीं सब कमिटीज़ बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत के लेवल पर, और लोगों को कैसे अवेयर करना है और सेफ ग्राउंड वाटर है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और वहीं सिंगल विलेज स्कीम और सरफेस वाटर बेस्ड मल्टी विलेज स्कीम को प्रमोट किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र, ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पर टेक्निकली चीज़ें साउंड नहीं है या फिर चैलेंजिंग है, वहाँ पर सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, सोलर बेस्ड स्कीम्स का इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को बेहतर स्कीम्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, सप्लाई को देने के लिए। हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर अब एक इशू भी उठाया गया है। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम है,
या कितनी आवश्यकता है पानी की, दूसरा है कि कितना वेस्ट होता है वाटर। तो ये कह रहे हैं कि पानी सिर्फ किचन या बाथिंग में ही खर्च नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा जो पानी वेस्ट होता है वो वाटर के सप्लाई में होता है। ये एग्जाम्पल्स आपने खुद भी देखा होगा, जब आप देखते हैं पाइप में बीच में लीकेज होता है, पानी गिर रहा होता है, या बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं, अगर किसी के घर में मोटर चल रहा है तो वो मोटर चलता ही रहेगा, और पानी गिर भी रहा है तो आपको पता नहीं चलता। तो वाटर सप्लाई जो है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है, और उसकी वजह से वाटर वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, इस पूरे मिशन में प्रपोज़ किया गया है, एंड मैंडेटरी प्रोविजंस होने हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ताकि जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है वो किया जा सके, चैनलाइज किया जा सके, जो ग्रे वाटर है उसको फिर से रिचार्ज किया जा सके, एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए जहाँ पर ऐसे ग्रे वाटर को ट्रीट करके रिचार्ज किया जाए, जिसको कि इरिगेशन पर्पस में इस्तेमाल किया जाए। आपको पता होगा ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इरिगेशन पर्पस में होता है, तो ऐसे ग्रे वाटर का यूज़ इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाएगा, साथ ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी किया जा सकता है। तो ये सारे अच्छे अच्छे स्कीम्स के बारे में बताया गया है। कंक्लूजन में इनका कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही इस मिशन में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वी हैव टू क्रिएट और वी नीड टू क्रिएट जन आंदोलन। आपने देखा था जब स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत तेज़ी से उठाया गया था, बहुत सारे ब्रांड्स को बुलाया गया था इसको प्रचार करने के लिए, या फिर जो प्रधानमंत्री खुद इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अदर मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वैसे ही एक जन आंदोलन फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत है वाटर मैनेजमेंट के लिए। और इसकी जिम्मेदारी जल शक्ति जो मंत्रालय बनाए गए हैं उसको दिया गया है। जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, हाउस होल्ड को कैसे वाटर सप्लाई दिया जाएगा, कैसे उसका यूज़ होना है, साथ ही चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया गया है, कम्युनिटी बेस्ड बनाया गया है, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाए। तो ये पूरा डिस्कशन हमने देखा, इस पर आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को चुन करके आंसर राइटिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक्स अ लॉट।